नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर में। ह्यूमन लाइब्रेरी? क्या ह्यूमन लाइब्रेरी, ये क्या होता है यार? ऐसे ही आश्चर्यचकित हो गए होंगे आप ये सुन के, ह्यूमन लाइब्रेरी। बट ये ह्यूमन लाइब्रेरी काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है और 80 कंट्रीज से ज़्यादा में एक्टिव है। क्या आप जानते हैं इंडिया में भी एक्टिव है? इंडिया में भी ह्यूमन लाइब्रेरीज हैं। सो लेट्स नो सम फैक्ट्स अबाउट दिस ह्यूमन लाइब्रेरी। सन 2000 में डेनमार्क में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था ह्यूमन लाइब्रेरी का, अभी से 20 साल पहले। फर्स्ट इवेंट फॉर ह्यूमन लाइब्रेरी को दानिश यूथ एनजीओ के कुछ वर्कर्स ने ऑर्गेनाइज किया था। दानिश यूथ एनजीओ डेनमार्क का एक काफ़ी फेमस एनजीओ है जो वायलेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। उस फर्स्ट इवेंट में 1000 से भी ज़्यादा लोग आए थे और ये इवेंट लगभग 4 दिन चला था। फर्स्ट परमानेंट ह्यूमन लाइब्रेरी 2006 में बना था ऑस्ट्रेलिया में और फिलहाल ये 80 से भी ज़्यादा देशों में एक्टिव है। ह्यूमन बुक्स बेसिकली ह्यूमंस ही होते हैं जिन्हें रीडर्स बॉलो करते हैं। ये बुक्स और इंसान, जो भी आप कहें, जनरली किसी वीकर सेक्शन या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर चुके होते हैं और काफ़ी लोनली रहते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं किसी और के लाइफ के स्ट्रगल के बारे में जानने के लिए, वो इन्हें बॉलो कर सकते हैं या फिर लाइब्रेरी में जाके पढ़ भी सकते हैं, इनकी बातें सुनते हैं। वे रीडर्स इन बुक्स को या तो लाइब्रेरी में 20 मिनट तक के लिए पढ़ सकते हैं या फिर उन्हें बॉलो करके अपने घर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर रीडर्स बुक्स को अपने घर ले जाते हैं तो उन्हें एक बात का ख्याल रखना होता है कि वो बुक्स को बहुत अच्छे से रखें, संभाल के रखें, डैट इज़ उन्हें खाना पीना सब अच्छे से दे। क्योंकि अगर बुक्स वापस आते हैं लाइब्रेरी में और वो रीडर्स का अगर शिकायत कर देते हैं तो फिर रीडर्स को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये बुक्स या इंसान को कोई पैसा नहीं मिलता है काम के लिए। सुनने में काफ़ी वियर्ड लगता है कि अगर आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा स्टिल आप कैसे इंटरेस्ट हो सकते हो उस काम को करने के लिए। बट ऐसा होता है बिकॉज दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी लोनली फील करते हैं और उनके लाइफ में कुछ बचा नहीं होता है, बिल्कुल अकेले होते हैं वो, तो वो अपने टाइम पास के लिए ह्यूमन लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं और इसका फ़ायदा भी उन्हें मिलता है। ह्यूमन लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन अपने बुक्स का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती हैं। ह्यूमन लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहते हैं। आपको उसमें किसी इवेंट में ज्वाइन करना होगा, प्रपोजल देना होगा कि आपको एक ह्यूमन बुक बनना है, और ह्यूमन बुक्स बनने के लिए भी आपको काफ़ी सारे लाइफ एक्सपीरियंस बताने होंगे और इंटरव्यू देना होगा। इन इंडिया वी हैव ह्यूमन लाइब्रेरी इन मुंबई, दिल्ली, कर्नाटका एक्सेट्रा, और फिलहाल मुंबई का जो ह्यूमन लाइब्रेरी है वो इंडिया का बेस्ट ह्यूमन लाइब्रेरी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।